हेलो फ्रेंड, आज मैं चने आलू का चाट बनाने वाली हूँ। जो हमने चने को दो तीन सीटी लगा के हमने बॉईल कर लिया है नमक हल्दी डाल के, और दो आलू है, और इसमें क्या क्या लगता है चलिए देखते हैं। ये हमने दो बड़ी प्याज काट लिया है, दो बड़ी टमाटर, काला नमक है, धनिया की पत्ती है, दो हरी मिर्च है। चाहे तो आप लाल मिर्च भी यूज कर सकते हैं, और मिर्च और भी चाहे तो स्वाद अनुसार आप डाल सकते हैं। हमने मात्र सिर्फ दो मिर्च लिया है, और ये एक नींबू। यदि आपके पास नींबू नहीं है तो अमचूर पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये हमने टोमेटो सॉस लिया है, और ये मायोनीज है हमारा। टोमेटो सॉस डालना चाहे तो आप डाल सकते हैं, मायोनीज भी डालना चाहे तो आप डाल सकते हैं, बट मैं इसे नहीं डाल रही हूँ। आप इसके साथ में भी मिक्स करके डाल सकते हैं, चाहे तो आप ऊपर से भी डाल के खा सकते हैं। पहले इसको हम कट कर लेते हैं अच्छे से छोटे छोटे पीस में। यदि चाहें तो आप इसको ना दो तीन मिनट तक फ्रीज में भी रख सकते हैं, अच्छी तरीके से ठंडा हो जाए आलू, थोड़ा सा कड़ापन हो जाए इसके अंदर, आलू के अंदर, उसके बाद भी आप डाल सकते हैं। छोटे छोटे पीस में हमने काट लिया। मैं डाल रही हूँ प्याज। आप अपने स्वाद अनुसार भी प्याज ज्यादा या कम कर सकते हैं। टमाटर ये भी आप अपने स्वाद अनुसार ज्यादा या कम कर सकते हैं। दो हरी मिर्च, हमने तो दो हरी मिर्च लिया है। आप चाहे तो लाल मिर्च भी पाउडर ही इस्तेमाल कर सकते हैं, और ज्यादा मिर्च भी खाना पसंद करते हैं तो ज्यादा भी ले सकते हैं आप। और ये धनिया की पत्ती, और ये काला नमक, ये बड़ी चम्मच है, जो आधी चम्मच हमने लिया है काला नमक। और आपके पास काला नमक नहीं है तो आप व्हाइट नमक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें मैं डालूंगी नींबू, नींबू का रस डालूंगी। यदि आपके पास नींबू नहीं है तो अमचूर पाउडर भी आप डाल सकते हैं। अदरक भी डाल सकते हैं, अदरक हमारे पास अभी नहीं है। काली मिर्च का भी पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं इसे मिक्स कर लेती हूँ, और ये बहुत ही अच्छा नाश्ता है, हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। और सुबह चाहे तब नाश्ते में ले सकते हैं, शाम को भी नाश्ते में चाय के साथ ले सकते हैं, भी आप पैक कर सकते हैं। और सारी चीजें तो घर में अवेलेबल होता ही है, कहीं बाहर जाने की जरूरत तो है नहीं। चाहे तो इसमें चाट मसाला भी यूज कर सकते हैं, और ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही टेस्टी नाश्ता तैयार हो जाता है, और पूरी फैमिली के साथ आप एंजॉय कर सकते हैं ये नाश्ता चाय के साथ। और ज्यादा टाइम भी नहीं लगता है, 5 मिनट के अंदर ये नाश्ता बनके रेडी हो जाता है। ऐसे भी कहीं आप घूमने जा रहे हैं तो अपने साथ ये लंच में थोड़ा सा कैरी करके ले जा सकते हैं, कहीं भूख लग गया तो हम नाश्ता कर सकते हैं। ये बाहर के खाने से आप बच सकते हैं। देखिए हमारा ये चटपटा नाश्ता बनके तैयार है। यदि आपको भी अच्छा लगे तो आप भी ट्राई कीजिएगा और हमें बताइएगा कैसा लगा। अब मैं सर्व करके दिखा देती हूँ आपको, और ये झटपट हमारे 5 मिनट में ये नाश्ता बनके तैयार है। देखिए हमारा ये चटपटा नाश्ता बनके तैयार है। यदि आपको ये अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।